भगवान कहते हैं ना अहम भक्त पराधीन हम भक्त के अधीन है वो सम्मान की स्थिति जो है एक भक्त और भगवान के बीच वो बनी रहनी चाहिए गुरु शब्द का अर्थ ही है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाए गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश प्रेम साक्षात भगवत स्वरूप है मन जो है वो कृष्ण जी का ही प्रतीक है। हाँ? जो इतना चंचल है जो लगता ही नहीं है एक बार आस्था की पराकाष्ठा है संन्यास लेना मरने से पहले वाला मरना आपको जीना सिखा देता है कहते कृष्ण चरित्र पदार्थ जितना दिव्य हो उसके लिए पात्र भी उतना ही पवित्र, पवित्र होना, होना चाहिए टू कास्ट। तो दोस्तों आज हम अपनी स्पिरिचुअल की जो श्रृंखला है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज के जो गेस्ट है वो बाकी गेस्ट थोड़े अलग हैं क्योंकि अभी तक हमने जो गेस्ट देखे वो वो लोग थे जो 20 30 40 साल से स्परिचुअलिटी के फील्ड में हैं और लोगों के बीच जाने माने काफ़ी लोकप्रिय ऑलरेडी हैं है। लेकिन आज जो गेस्ट हम लेके आए हैं इनमें अलग बात ये है कि ये जेन जी को रिप्रेजेंट करती हैं ये आज की जनरेशन है आज की जनरेशन जिन्होंने अपने लिए अपने जितने रस्ते हुए चूज़ कर सकते हैं आज के फील्ड में उसमें उन्होंने आध्यात्मिक रास्ता चूज़ किया है ये एक स्पिरिचुअल ओरेटर है ये एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी कथावाचक है और अब मैं इनको औपचारिक रूप में इनका नाम लेके इनको अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित करता हूं, तो आज की हमारी गेस्ट है लक्ष्मी प्रिया जी लक्ष्मी प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट आपका राधे, आप राधे 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 राधे, राधे। कैसे हैं आप बिल्कुल आनंद में प्रभु कृपा और उसी आनंद का प्रभाव है कि आनंद आनंद में आपसे आज भेंट हुई और आज के पॉडकास्ट में हम आप बैठे हैं। अब क्या लगता है कि भक्त भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए देखिए ये रिश्ता मैं कहूँ तो ये बनाना नहीं पड़ता है आप जब विश्वास कर लेंगे तो वो उसी दिन बन जाता है और फिर जिम्मेदारी आपकी छूट जाती है भगवान कहते हैं ना अहम भक्त पराधीन हम भक्त के अधीन हैं यदि मेरा भक्त एक बार कह दे कि नाथ मैं आपका हूँ तो फिर वहीं उसकी जिम्मेदारी ख़त्म है फिर मैं उसको संभाल लेता हूँ हाँ फिर उसको कहाँ जाना है क्या करना है वो बहुत सुंदर निर्देश करते हैं बस क्या है कि जो निर्देश आपको मिल रहा है उस पर आप बड़ी सुंदर से बड़ी सहजता से चलते जाएं चलना आपका काम है चलाना उनका काम है हाँ। <laughs> तो कैसे ऐसे भरोसा करना आपने बोला कि तो आप भरोसा भगवान अगर भरोसे की बात करते हैं आप तो भगवान जानने का विषय नहीं है यदि आप उनको जानने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आने वाले नहीं। भगवान मानने का विषय है आप उनको मानो ये विश्वास क्या है कि आप एक बार प्रयास करिए कि इस बात को मन में लाइए कि मेरे मंदिर में भगवान विराज रहे हैं और वो मेरे हैं वो सुन भी रहे हैं मुझे वो देख भी रहे हैं और कभी कभी ऐसा अनुभव हो कि नहीं अच्छा और ये अनुभव होता है आप जब दिन रात उनकी सेवा में हैं काम कोई भी कर रहे हैं लेकिन मन में चिंतन उनका ही चल रहा है अकारण आप जैसे मान लीजिए आप किचन में ही हैं और किचन में आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं और अचानक से आप नाम ले रहे हैं ठाकुर जी का फिर एक क्षण के लिए ध्यान आया कि अरे ये कैसे हुआ ये क्या है ये वही कि आप जो दिन रात उनको याद कर रहे हैं इसका मतलब है कि क्या अगर वो आपको याद आए यानी वहाँ मंदिर में बुला रहे हैं आ? ये मैं स्वयं का अनुभव बता रही कि ऐसी प्रतीति होती है हो और अनुभव विश्वास यही भगवान है आप मानिए उस चीज को बिल्कुल मुझे एक चीज़ जो रिलाईज हुई है इसी के साथ कि जैसे एक अच्छा श्रोता होना बहुत मुश्किल होता है आदमी बोलना तो बच्चे ऐसे चार साल की उम्र में सीख जाता है लेकिन सुनना सीखने में उम्र निकलती है उसकी बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्रोताओं में जो सर्वोच्च स्थिति है जो सबसे बेस्ट लिसनर है दुनिया के वो होते हैं भगवान बिल्कुल बिल्कुल आप कितना ही बोलते रहो कितना ही बताते रहो बीच में रोकेंगे नहीं आपको बेल्कुण, सुनते बेल्कुण। रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे लेकिन हम जब इस दुनिया में रह रहे होते हैं तो हमें इतने बढ़िया श्रोता की आदत नहीं होती है <laughs> क्योंकि मैं कितना ही कोशिश करूं बेल्कुण, आपको बेल्कुण, सुनने की कहीं ना कहीं पर मेरे मन में भाव आ जाता है कि यहाँ पे मैं बोलूँ है ना क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं जी, कर जी, पाते जी, वो पराकाष्ठा है हाँ। सुनने की जो कैपेसिटी होती, हाँ। होती है सुनने की जो कैपेबिलिटी होती है उसकी तो उसकी आदत डालना आई थिंक वही सबसे एक भक्ति का भाव होता है कि हाँ, इतना बड़ा श्रोता तुम्हें सुन रहा है बिल्कुल और क्या आप जैसे घर में भाई बहन माँ पिताजी को आप थोड़ी देर कुछ बोलते रहिए बोलते रहिए एक बार के लिए वो भी कह देंगे कि अब चुप हो जाओ लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं जिन्होंने आपको पूरी छूट दे रखी है कि आपको जितना बोलना है आप बोलिए लेकिन ये विचार तो हमें भी करना चाहिए कि जितने बोलने में क्या बोलना है कितना बोलना है ये तो भगवान रोक नहीं रहे हैं लेकिन जितना हम बोल रहे हैं उसमें क्या बोलना है ये बड़ी गहरी बात है कि कह तो हम बहुत कुछ रहें कि नाथ ये दे दीजिए वो दे दीजिए ये दिला दीजिए तो ये कर दूंगा तो कह तो कुछ बहुत सारी रहे लेकिन उन कहने में भी हम क्या कह रहे हैं उस कहने में भी हम क्या कह रहे हैं उनसे ये बहुत बड़ी बात है वो सम्मान की हाँ। स्थिति जो है एक भक्त और भगवान के बीच वो बनी रहनी चाहिए हाँ। तो ये बताया जैसे आपने भी बोला कि ऐसे हम कुछ भी उनसे बोल रहे हैं नाथ ये दे दीजिए वो दे दीजिए तो जैसे जो सर्वव्यापी है जी जी जी। जो हमारा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते हैं उनसे कुछ मांगने की जरूरत होती है क्या देखिए जो नहीं समझ पाए वही हमने कहा ना जानने का विषय करेंगे तो केवल जानते रह जाएंगे मान लेंगे तो एक वो हृदय से भाव आएगा और भाव कभी अपवित्र नहीं होता भाव सदा शुद्ध होता है फिर वो ममता का भाव हो करुणा का भाव हो प्रेम का भाव हो ये शुद्ध ही होता है तो ये हृदय से भाव आता है और जब आप उनको मान लेते हैं फिर आप जानना छोड़ देते हैं क्योंकि श्री रामचरित मानस में कहते हैं कि सोई जाने ही जही देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई आपको कौन नहीं जानता है तो कहते हैं कि सोई जाने जही देव जनाई आपको जानना इतना आसान नहीं है आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं कि ये मुझे जाने सोई जाने जय देव जनाई और जान तुम्हें तुम्हें हो ही जाए कहते हैं और जिस दिन वो आपको इस तरीके से समझ गया जिसको आप जनवाना चाह रहे हैं कि अच्छा ये मुझे जाने तनिक मुझे टटोले कि हम कैसे हैं तो वो जब जान जाता है तो फिर कहते हैं जान तुम्हें तुम्हें हो जाए वो आपका ही हो जाता है आ, बेहद हाँ। सुंदर <laughs> तो भगवान यदि मान रहे हैं आप उनको तो मानने में ही सब कुछ आ जाता है उसी में आपका भाव छिपा है उसी में आपके लिए उनके लिए प्रेम छिपा हुआ है करुणा भी उनके लिए है फिर आप उनको भगवान नहीं मानते फिर जैसे छोटे ठाकुर जी होते हैं ना फिर उनको आप मंदिर वाले ठाकुर जी नहीं मानते आपको अनुभव होने लगता है कि यहाँ अभी इनको ये आवश्यकता है अभी लगता है इनको प्यास लगी है अच्छा समय पे देर हो गई इतनी घड़ी की सुई मिलाते हैं अरे भाई अब तो इनके भोजन का समय हो गया है ये क्या है ये सब भाव है और जीवन में जब तक भाव में आप नहीं उतरे तब तक आप अध्यात्म को अभी दूर दूर से ही देख रहे हैं अध्यात्म यही है कि आप चीज़ों को भाव से करने लगें आज के समय में क्या है लोग एक दूसरे की सहायता बहुत कम करते हैं ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता क्यों क्योंकि अध्यात्म जगत से दूर हैं और उनको लगता है कि यारे हम इनकी मदद करने में ऐसे लगेंगे तो हमारा तो समय भी जाएगा और ऊपर से कहीं आ, बात कुछ भी हुआ तो फिर हम पे ही बात ना आ जाए इसलिए चलते बनो तो ये क्या है ये भाव ही तो नहीं है और भाव इसीलिए नहीं क्योंकि आप अध्यात्म की ओर नहीं है तो आप जब तक उनको मान नहीं लेंगे मानने से ही सारा काम शुरू होता आप है आप मानिए कि मेरे प्रभु हैं और मुझे लगता है आज की बड़ी सुंदर बात मेरे मुख से गई है ये भी प्रभु कृपा से ही है ये मानना बहुत बड़ी चीज़ है मानने लगेंगे ना तो कहते हैं कि आपका पहले तो मन नहीं लगेगा नहीं। हाँ क्योंकि ना आप कुछ समझ पा रहे हैं ना जान पा रहे हैं कि कह दिया कि बस मानिए कहते हैं मानना ही आपको सब कुछ जना देगा केवल बस मान लीजिए कि यार मेरे प्रभु हैं ये अभिमान कर लीजिए कहते ना अभिमान आ, मैं ये हूँ मैं ये हूँ ये सब कहने से अच्छा है दो अभिमान जीवन में बना के रखिए कौन कौन से कहते हैं आ, एक की आचार्य अभिमान अपने गुरु के प्रति अभिमान हो कि चलो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया लेकिन जिन गुरु का सानिध्य रहा मैं तो उतना अच्छा नहीं हुआ पढ़ने में लेकिन जिन गुरु का सानिध्य रहा वो गुरु मेरे बड़े श्रेष्ठ थे तो मुझे इस चीज़ का अभिमान है कि मैं तो चलो नहीं कर पाया लेकिन मेरे गुरु बहुत श्रेष्ठ हैं और कहते हैं जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है गुरु यदि रहता है तो आपके आधे कष्ट तो यूं ही दूर हो जाते हैं उनमें भी कहते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक चारों के रूप एक ही हैं और इनका यदि ध्यान करेंगे इनके पद वंदन किए तो नाशे विघ्न अनेक यदि इनके चरणों में आपकी रति रही आप रहे शरणागत तो फिर आपका तो जो है कल्याण तय है तो कहते हैं आचार्य अभिमान क्योंकि आचार्य यदि आपके जीवन में होता है गुरु होता है तो कहते हैं वो आपके जीवन में पुरस्कार करता है पुरुषकार शब्द आपने सुना है पुरस्कार पुरुषकार गिफ्ट नहीं 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 वो पुरस्कार होता है पुरस्कार है कि आप किसी को सम्मान में कुछ वेट कर रहे हैं तो वो पुरस्कार हुआ पुरस्कार शब्द का अर्थ है सिफारिश कहते ना अरे भाई जरा उनसे करवा दो वो काम अपने तो खास से हाँ, देख लो हाँ, 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 तो हाँ तो उसी तरीके से एक शिष्य के जीवन में गुरु सदैव पुरस्कार करता है किससे भगवान से, से। कि अरे नाथ देख लीजिए मेरा ही शिष्य है कहते हैं यदि गुरु आपके जीवन में होगा तो आपका कल्याण निश्चित है लेकिन यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है आपने कितना भी जब तप कर रखा है तो कहते हैं कि आप वैकुंठ के द्वार तक पहुंच जाएंगे लेकिन वैकुंठ का द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप पर गुरु कृपा नहीं होगी गुरु नहीं कहेगा इसलिए आप देखिए जो भी आज के समय में आ, किसी को भी देखिए हर कोई परंपरा चल रही है तो उसमें सबके गुरु हैं क्युं? क्यों क्योंकि उनको विश्वास है ये अभिमान है कि हम तो कैसे भी हों लेकिन गुरु तो हमारे श्रेष्ठ हैं तो एक अभिमान और दूसरा अभिमान दो ही अभिमान पक्के हो दूसरा अभिमान कि भगवान मेरे हैं ये अभिमान आपको बड़ा आनंद प्रदान करता है आ, बिल्कुल आ, यहाँ पे आपने बहुत दो तीन बहुत अच्छी बातें आपने टच करी हैं अलग अलग मुद्दे हाँ। तो इनमें से एक जिसके बारे में सबसे पहले मैं सोचना चाहता हूँ तो गुरु की जरूरत है हुँ। बिल्कुल हुँ। वो है ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर आता है तो अब क्या है कि गुरु एक होना जरूरी है या गुरु ढेर सारे हो सकते हैं देखिए दत्तात्रेय जी को देखिए उन्होंने चौबीस गुरु बनाए पृथ्वी वायु राकाश आपोघनिश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिनो मीना पिंगला कुररोर बका कुमारी सरकत सर्प नाभि सुपेश कृत इन्होंने चौबीस गुरु बनाए हैं सूर्य को भी बनाया चंद्र को भी बनाया अग्नि को भी बनाया जल को भी बनाया वायु को भी बनाया तो कहते हैं इन सब से उन्होंने सीख ली लेकिन जैसे कहा गया ना अपने जीवन में एक के प्रति आप निष्ठ रही है hmm. अपने गुरु गुरु क्या है एक गुरु आपको ऐसा मिलता है जो कहते हैं गुरु शब्द का अर्थ ही है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाए गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश गुकार अंधकार सूकार तन निरोधका hmm. अंधकार प्रकाशत्वात गुरु इत्य विधीयते तो कहते हैं जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है वही गुरु है आपका और एक गुरु ऐसा होता है सबके जीवन में होता है जिससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि वो प्रभाव एक दिन हट जाता है और वही गुरु आपको भाव में उतार देता है भगवान के प्रति सुंदर तो ये बहुत बड़ी बात है जीवन में गुरु अवश्य बनाए हाँ तो चाहे एक हो या जगह हाँ, आप सबसे सी देखिए हर कोई आपका गुरु है जो आपको अच्छा सिखा रहा है जैसे अभी मेरे गुरु आप है। अरे अरे रे। नहीं नहीं ऐसा नहीं <laughs> हाँ हाँ बिल्कुल मुझे हमेशा ऐसा कि... लगता है कि जो उस सीट पर बैठे हैं जो मेरे साथ बात कर रहे हैं और मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो मेरे लिए गुरु है तो जैसे हर एक पॉडकास्ट में एक नई गुरु के साथ जी मुझे जी। बैठने का मौका मिलता है और जो सवाल मेरे मन में होते हैं या जो मुझे सुनने में आते हैं वो सवाल मैं उनसे पूछ <laughs> पाता हूँ और मुझे एकदम तल्लीनता से और शांति से उनके उत्तर मिल पाते हैं ये बड़ी सुंदर बात है गुरु अति आवश्यक है बिल्कुल अभी आपने जब गुरु की बात कर रहे थे और ईश्वर की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि प्रेम जो है वो भी भाव का का विषय है हाँ, बिल्कुल तो आप प्रेम का अर्थ क्या समझते हैं देखिए आज के समय में तो वो ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता लेकिन प्रेम आज के समय में उसको ऐसा स्वरूप दिया जाए मेरे विचार से कि आपको ऐसा ना कहना पड़े कि आज के समय में ऐसा प्रेम नहीं है आप प्रेम में सहजता सबसे आवश्यक है मुझे लगता है प्रेम का स्वरूप ही है सहजता आप जब तक सहज नहीं होंगे आप प्रेम में नहीं है सहजता का मतलब यहाँ पे सहजता क्या है कि आ, आप प्रेम कहने में जितना सहज लगता है ना आनंद आता है उतना ही जीवन में आनंद होना चाहिए आपके आनंद की सहजता होनी चाहिए प्रेम में क्या कि आप ये मत सोचिए कि यदि हम प्रेम में हैं तो अब प्रेम में सिर्फ सुख ही आएगा नहीं प्रेम यदि वास्तविक प्रेम है तो वो सुख और दुख से मिश्रित है अलग नहीं है आपको कभी अच्छा भी लगेगा तो कभी बुरा भी लगेगा कभी आप उस चीज़ से बहुत व्यथित हो जाएंगे तो कभी बड़े आनंदित हो जाएंगे ये प्रेम का स्वरूप है तो प्रेम सुख ही नहीं है दुख भी बहुत बड़ा प्रेम है जैसे कुंती मैया ने भगवान कृष्ण से क्या कहा जब वो द्वारिका जाने लगे तो कह रही है कि आ, आप जा तो रहे परंतु जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाइए तो कृष्ण कहते हैं बुआ जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ तो कुंती उस समय चरणों में लेटी हुई है तो कृष्ण कहते हैं अरे आप बुआ जी आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं आप तो मुझसे श्रेष्ठ हैं hmm. और आप हमारी बुआ जी हैं तो इस नाते आप मुझे मेरे पैर ना छुएं तो कुंती कहती है कि आज मैं आ, अपने भतीजे को नहीं पांव छू रही मैं उनको प्रणाम नहीं कर रही तो कहते हैं फिर तो कुंदी कहती है कि आज मैं अपने भतीजे को नहीं अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूं और कहते हैं कि आप जाते जाते मुझे बस इतना देते जाइए कि मेरे जीवन में कभी कोई सुख ना आए उन्होंने ये बात कही कि मेरे जीवन में कभी कोई सुख ना आए देखिए आप भी ध्यान गया ना यहाँ पर ऐसे ही ठाकुर जी को भी लगा कि अरे आजकल तो सब लोग छोटी सी पूजा करवाते तो कहते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का हाँ ये तो और सारी जितनी भी पूजा की हा? हमारी है आरती है उनकी आखिरी लाइन में आता ये आता ही है आता ही क्योंकि सबकी इच्छा भी तो यही है ना कोई ये थोड़ी कहता दुख संपत्ति घर आवे सब कहते सुख संपत्ति घर आवे तो बुआ जी आपको दुख से क्या मिलेगा तो वो कहते है कि सुख में हम आपको भूल जाते हैं ज्यादा सुख जब आता है तो हम आपको भूल जाते हैं लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो और कोई याद आए चाहे ना आए आप ही याद आते हैं एक बिल्कुल उस समय दुख में आप ही याद आते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि निरंतर आप मुझे याद आते रहे इसलिए मेरे जीवन में निरंतर ही दुख मिले ऐसा वरदान मुझे दीजिए तो जीवन ऐसा नहीं है कि सुख से ही प्रेम होता है दुख भी आपको बहुत प्रेम सिखाता है बहुत प्रेम का अनुभव कराता है बस ये है कि आपको उसका स्वरूप समझना है प्रेम प्रेम दोनों से परिपूर्ण है प्रेम अकारण होता है है कहते हैं उसका कोई कारण नहीं है। सामने वाला भले कोई कारण मान रहा हो लेकिन यदि आप प्रेम वास्तविक कर रहे हैं तो आपको प्रेम अकारण ही करना चाहिए कि इसका कोई कारण नहीं है आप मुझे अच्छे लग रहे हैं तो फिर लग रहे हैं उसका कोई कारण नहीं होता है क्योंकि हर कोई आपको प्रेम के रूप में ऐसे अच्छा नहीं लगता सबसे आपको प्रेम नहीं होता लेकिन एक तो है जिसकी जिसके प्रति आपका भाव बड़ा निश्चल जा रहा है जिसके लिए कुछ सहजता से करने का मन कर रहा है तो जिसके लिए इतना मन कर रहा है कुछ करने का उसके लिए आप कोई बनावट मत रखिए अपने जीवन में सहज हो जाइए कि ठीक है आपका प्रेम आपका प्रेम है लेकिन हमारा प्रेम हमारा प्रेम है तो सुन्दर, सुन्दर। तो आप सुंदर सुंदर अति जैसे कह रही है है कि प्रेम एक वरदान बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको किसी से प्रेम हो गया तो खुशी मनाइए इस बात की कि आपके हृदय ने किसी हाँ। को अपना मान लिया है लॉजिक मत ढूंढिए उसका कारण मत ढूंढिए क्योंकि ये भगवत कृपा से ही आपको किसी से प्रेम होता है प्रेम प्रेम साक्षात भगवत स्वरूप है बिल्कुल और जैसे आपने भी बोला कि एक ईश्वर की याद दुख हाँ। के समय पर बहुत आती है हाँ। और भगवान टेस्ट भी अगर ईश्वर से आपका प्रेम या किसी से भी आपका प्रेम टेस्ट करना हो तो वो परीक्षा दुख के समय में ही होती है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं कि हम आस्तिक है हाँ। जैसे मैं भी अभी उस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि नॉर्मल टाइम पे लगता है हाँ भाई भक्ति कर रहे हैं सुबह जाप कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है ईश्वर के समीप हो लेकिन जब कोई चीज मेरे मन के अनुकूल नहीं होती जो मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं होती नहीं। क्या उस टाइम पे मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि वो ईश्वर की मर्जी है देखिए तब मुझे लगता है कि ये अगर जब मैं समझ हाँ। पा रहा हूँ कि वो ईश्वर की मर्जी है हाँ। तो तब मुझे लगता है कि हाँ ये प्रेम है हाँ। कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हाँ। मेरे हिसाब से नहीं हो रहा वो उनके हिसाब से हो रहा है और वो ओके है वो ज्यादा बेटर होगा और ये समझ भी तभी आती है जब आप किसी के प्रेम में हैं प्रेम में नहीं है तो समझ में भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि अभी आपको आप उस ओर बढ़े नहीं हैं और वो प्रेम ठाकुर जी से भी हो सकता है आपका पारिवारिक प्रेम भी हो सकता है हाँ बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे जैसे आपका ईश्वर के प्रति इतना समर्पण है इतना प्रेम है जो आपकी बातों में भी भूल का झलक रहा है तो एक परिवार को जैसे कई जगह देखने को मिलता है जब बच्चे जो है वो ज्यादा आध्यात्मिक रस्ते में पे निकल जा रहे हैं तो घर वालों को लगता है ये गया सन्यासी बनने बिल्कुल जिसमें कोई गलत नहीं है सन्यासी नहीं। बनना लेकिन एक गृहस्थ इंसान अपने बच्चों से यही उम्मीद करता है कि वो खानदान को परिवार को आगे बनाए ये गृहस्थ अगला गृहस्थ बने तो सन्यास से वो बड़ा डर लगता है उन्हें बिल्कुल तो क्या जैसे आप इतने सन्यास के रास्ते पे चले हैं क्या आपके घर में ये डर नहीं लगता नहीं, कि हो सकता है के रास्ते पे तो नहीं चले मतलब भक्ति के रस्ते में गलत हुआ जैसे आप भक्ति के रास्ते में चले तो घर वालों को ये डर नहीं लगता कि ये कहीं सन्यास के रास्ते में चल पड़े तो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगर मैं सन्यास के रास्ते पे होती तो यहाँ हमारी आपकी बात भी नहीं हो रही होती तो हाँ डर लगता है और मैं कहूँ मेरे साथ भी एक दो लोगों ने मुझे ऐसा बहुत हल्का हल्का सुनाई सुनने में आया था ऐसा कि ऐसा तो नहीं कि अब ये जो है विवाह नहीं करेंगे ऐसा एक, एक दो लोगों ने मुझे ऐसा मुझसे तो नहीं पर पिताजी से ऐसा हल्का फुल्का सुनने में आया था क्योंकि जब आप ईश्वर बढ़ते हैं ना तो आपको सांसारिक प्रपंच तनिक कम ऐसा तो नहीं कि आप एकदम दूर हो जाते लेकिन आपको कम पसंद आने लगता है मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल और फिर आपको लगता है कि जितना समय है उसका बड़ा सदुपयोग हो जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे यूं ही काम की तरह नहीं करना है आपको उसमें मन लगाना है अपना और मेरे अनुसार मन का स्वरूप वही है कि जो आपको साक्षात चंचलम ही मन कृष्णा साक्षात कृष्ण ही आपका मन है तो अपना जो मन है यदि आप मन से कोई काम करते हैं फिर वो काम काम नहीं रहता वो आपके लिए सेवा बन जाता है ये बहुत खूबसूरत डायरेक्शन हाँ। है इस तरह से सोचा नहीं मैंने कभी बिल्कुल अगर आप काम मन से कर रहे हैं तो फिर जो है फिर वो काम रह ही नहीं गया कि अच्छा चलो ये काम किसी तरह निपटाना है नहीं अगर आपका मन उसमें लगा है फिर वो काम काम नहीं रह गया सेवा बन गया है ये मन जो है वो कृष्ण जी का ही प्रतीक हाँ है। जो इतना चंचल है जो लगता ही नहीं है एक बार में आप कोई भी काम करने जाइए जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो लगेगा ही नहीं लेकिन यदि आप उसको प्रयास करेंगे नहीं मुझे करना ही है मन लगा रहे हैं तो समझ लीजिए फिर वो काम काम नहीं रह जाएगा आपके लिए सेवा बन जाएगा और फिर उसमें जो आनंद आता है काम करने में मैं आ रही हूँ उसी टॉपिक पे <laughs> तो कहते हैं फिर वो सेवा बन जाता है फिर आपको कुछ बुरा नहीं लगता कुछ अटपटा नहीं लगता कि ओहो लोग क्या कहेंगे जैसे फिर आपके लिए झाड़ू लगाना भी एक सेवा है <laughs> आपके लिए बर्तन धुलना भी एक सेवा है पोछा लगाना है ये सब करना आपके लिए सेवा बन जाता है फिर वो काम नहीं रहेगा फिर ये मन से निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे क्यों क्योंकि अच्छा देखिए मंदिरों में जो आ, सेवा दे रहे हैं वहाँ पे ये थोड़ी कहते हैं कि काम कर रहे हैं नहीं वो अपने भाव से सेवा कर रहे हैं यदि वहाँ पे झाड़ू भी लगा रहे हैं क्यों क्योंकि उनका मन उसमें लगा हुआ है और जहाँ मन लग जाता है फिर वही कहा कि वो काम काम नहीं रह गया फिर वो सेवा बन गया तो उसी तरीके से बच्चों का क्या है कि जब बच्चे इस ओर बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले डर लगता है क्यों ओ, माता पिता को कि कहीं सन्यासी ना हो जाए वैराग्य ना ले लें तो ये होता इसीलिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल मन का ही है अध्यात्म की ओर अगर आप बढ़ रहे तो सबसे बड़ा रोल आपका मन का है मन से ही सब कुछ होना है और जब मन लगने लगता है तो उनको लगता है कि अगर एक बार मन लग गया फिर ये लौटने वाला है अभी नहीं आ? क्योंकि कहा गया कि अगर ठाकुर जी कह रहे हैं ना चंचलम ही मना कृष्णा मन इतना चंचल है तो ऐसे वैसे कामों में लगाएंगे तो लौट के आ सकता है लेकिन यदि भगवत कार्य में लगाएंगे फिर क्या होता है क्योंकि इसमें कहीं आपको पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है अगर आपने मान लीजिए एक माला जब कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे मन से निकालना चाहें तो अब वो एक माला जब हट जाएगा ऐसा नहीं है वो पक्का हो गया है आपके जीवन पर्यंत आप रहें ना रहें फिर भी वो जब आपको पक्का हो गया है हाँ हा? तो उसी तरीके से है कि आपने एक जब किया दो जब किया तो ये जितने आप जब तब करते जा रहे हैं जो जो काम करते जा रहे हैं भगवत कार्य में वो पक्का होता जाता है वो फिर उसमें लौटने का ऑप्शन नहीं होता है इसीलिए वो घबराते हैं कि इतना कि बच्चा हमारा कहीं सन्यासी ना हो जाए लेकिन आप ये भी तो विचार करिए कि वो जा किस मार्ग पर रहा है ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है इस पर विचार करना चाहिए कि जीवन अच्छा जिस मुख से आप कह रहे हो यदि आज आप वो बात कह रहे हो तो वो किसका दिया हुआ है जिस मुख से आप बोल रहे हो प्रभु का प्रभु का तो आपको कहने के योग्य बनाया उन्होंने तो आपको ये तो विचार करना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं आप किस मार्ग की ओर उनको जाने से रोक रहे हैं ये विचार करना चाहिए बहुत कहें तो बहुत गंभीर विषय है और कहें तो बहुत सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म समझ पाना बड़ा कठिन है जैसे मन को समझ पाना बड़ा कठिन है मन मन कितना सूक्ष्म है हमारा मन आज तक कहते हैं कोई नहीं जान पाया कि हमारा मन कहाँ है पूरे शरीर में मन कहाँ है कैसा दिखता है नहीं पता चला मन कितना सूक्ष्म है कहते हैं बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पित च कहा गया कि आपका जो बाल है उसका जो एक अग्र भाग होता है ऐसे लिया आपने एक कोना और उसके आप सौ टुकड़े करिए बालाग्रसत भागस्य सौ टुकड़े करिए और इसी टुकड़े का उसका जो सौवा टुकड़ा है उसी प्रकार उस हजार बार उसके सौ सौ टुकड़े करिए हजार बार सौ सौ टुकड़े करते जाइए उसी एक टुकड़े का जो सौवा टुकड़ा हुआ फिर उसका एक टुकड़ा फिर उसका एक टुकड़ा इसी तरह कहते हैं हजार जब सतमार्ग की ओर बढ़ते हैं तो कहते हैं वो है तो बड़ा सूक्ष्म लेकिन उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है अध्यात्म की ओर जब आप बढ़ने लगेंगे फिर वहां से लौटना बड़ा कठिन हो जाता है और ये जीवन में आवश्यक भी है क्योंकि एक ही जीवन मिलाए देखिए उसमें आप चाहे खा पी के सो लीजिए आनंद मना लीजिए और चाहे इन तीनों के साथ चारों कामों के साथ आप भगवान का भजन भी उसमें जोड़ लीजिए क्योंकि ये कुछ अलग नहीं है आपको इसकी अज्ञानता है इसलिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं नहीं तो जीवन में भोजन भजन जैसे कहा ना भोजन भजन ये दोनों अति आवश्यक है हाँ और भजन दो दोनों का बड़ा सुंदर एक तालमेल भी है आप यदि विचार करेंगे यदि आपकी इच्छा नहीं है भोजन करने की लेकिन आप थोड़ी देर भजन कर लें फिर आप देखिए जो भूख लगती है हाँ ये मैं तो कहती हूँ कि इसको प्रत्यक्ष ऐसा करके देखना चाहिए लोगों को कि यदि इच्छा नहीं है आप विचार लगा रहे आज तो नहीं खाना है लेकिन फिर वही क्या कि आप कुछ क्षण कुछ समय तक आप भजन करिए और भजन के बाद देखिए फिर कितनी सुंदर भूख लगती है और फिर वो भूख ऐसी होती है कि फिर आपको खाना नहीं खाना होता है भोजन नहीं करना होता फिर आपको प्रसाद पाना होता है ऐसा अनुभव आता है तो इसका बड़ा सुंदर भाव है यही कि आपको बच्चा यदि कुछ कर रहा है अध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है तो आपको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक विश्वास करके तो देखिए जरूरी नहीं वो सन्यासी बनेगा आप तो रोकने लगते हैं तुरंत ही लेकिन वो सन्यासी नहीं बनेगा ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है सन्यासी बनना बहुत मुश्किल चीज है सबके बस की बात हाँ। नहीं है ऐसे कह देना तो बहुत सरल अरे सन्यासी बन जाएगा की पराकाष्ठा है सन्यास लेना तो वही हमने कहा ना कि ऐसा कह देना कि अरे सन्यासी बन जाएगा वैराग्य ले लेगा लेकिन ये इतना सहज नहीं है जितनी सहजता से आप बोल जाते हैं इस बात को आप दो तो दिन के लिए वैरागी बन के देखो तो पता <laughs> लगेगा कितनी मुश्किल जिंदगी है तो करने देना चाहिए हम कहते हैं ये क्योंकि जिस मन से आज वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है वही मन उसे आगे बढ़ाएगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप कथा के क्षेत्र में ही हो जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन जब तब ही कर रहे हो किसी का ऑफिस है किसी का स्कूल है कोई घर पे ही रह रहा है तो जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ शुरू किया उसे करने दिया जाए क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका मन खुलता है फिर पता चलता है कि आपको अपने क्षेत्र में क्या करना है ज़रूरी नहीं वो सन्यासी ही बन जाएगा वो आपको समय देना चाहिए कि अच्छा ठीक है चलिए भगवत कार्य कर रहा है तो क्या होता है कि कभी कभी इस भगवत कार्य में आगे बढ़ने पर हमको हमारे जो कार्य हैं उसमें बड़ी सहजता मिलती है आपको एक सही डायरेक्शन मिलता हाँ। है आपको जीवन का जो पर्पज है वो समझ में आता है जब आप भगवत कार्य में आगे में आगे करना हाँ। क्या है और करना क्या क्या है है और कैसे करना इन सब चीजों को हाँ। इसी रिलेटेड मुझे हाँ। एक रील बहुत एक रील मैंने रिसेंटली देखी थी उसमें एक कोई बहुत बढ़िया भाई साहब थे मुझे उनका नाम नहीं पता तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और उन्होंने बोला कि जैसे ये रुमाल है इस रुमाल के दो एंड है जी जी तो इसमें से एक एंड को अपने जीवन की शुरुआत मान लीजिए जी 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 कि आप कहाँ पैदा हुए कब पैदा हुए किस समय पैदा हुए किस कुल में किस घर में किस धर्म में किस देश में पैदा हुए ये आप डिसाइड नहीं करते और ये आपका जीवन है रुमाल आ, आपका जीवन है जी। तो ये एक एंड तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे और ये दूसरा एंड है कि आप कहां मरोगे जी किस समय आप आखिरी सांस लोगे हाँ। किस जगह पे लोगे किस हालात में लोगे किस उम्र में लोगे किस परिस्थिति पे लोगे तो ना ये रुमाल का कोना आपके हाथ में है ना इस रुमाल का कोना आपके हाथ में है तो लिकौल। बीच में जो छोटी छोटी चीजें हैं आप हाँ। ये सोचते हो कि ये मैं कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूं जो रुमाल का एक कोना भी आपके हाथ में नहीं दूसरे कोना भी आपके हाथ में नहीं तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं तो किसके हाथ में है परमात्मा के भी हाथ भी में है।, है तो बीच का समय फिर उनके हाथ में लगा दो ना जिनके हाथ में जिन दोनों चीजों का कंट्रोल है अगर बीच का पोर्शन आप उनके ऊपर में में तो जीवन है सफल हो जाएगा हाँ, बहुत सही से लगी मुझे उनकी बात बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देखिए कहा ना कि आपको जीवन मिला ये भाग्य की बात है लेकिन वो जीवन को जीना कैसे है यदि उसमें प्रभु कृपा यदि आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं उसमें तो ये सौभाग्य की बात है बिल्कुल ये कोई सामान्य बात ही नहीं है बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको ये मार्ग मिला है वे कहते भी हैं कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा कि वो तो मरना तो वो तो तय है कि कब मरना है हमें नहीं पता है लेकिन वो तो तय है उससे पहले मरने का प्रयास करिए इच्छाओं को मारने का ताकि जब आखिरी में पहुंचे तो इच्छाएं ना हो बहुत सुंदर ये ये क्या है कि मरने से पहले वाला मरना आपको जीना सिखा देता है कम उम्र आपकी इतनी प्यारी समझ है स्पिरिचुअलिटी <laughs> की की और जीवन की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, है और मैंने भी अभी जस्ट शुरू की है पूरी श्रीमद भागवत में है क्या क्या इसमें भगवान श्रीमद भागवत महापुराण में इसमें मूल जो स्वरूप है वो हमारे ठाकुर जी का है कृष्ण जी का ही चरित्र है और उसके बीच में उसके नीचे आपकी छोटी छोटी कथाएं है आती हैं उससे रिलेटेड लेकिन जो मूल कथा है क्योंकि उसी में भगवान का जन्म हुआ है कहते हैं ना जन्माष्टमी जो मनाते हैं तो उसमें ही भगवान का इसी लीला में द्वापर युग में जो श्रीमद भागवत महापुराण है पूरा हाँ, 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 पूरा और उसमें भगवान के जन्म से लेकर के उन्होंने क्या कैसे किया कितनी लीलाएं की बाल लीला कैसे किया और कैसे उन्होंने कंच का वध किया है छोटे छोटे बहुत सारे चरित्र हैं ऐसे और उस तरीके से फिर कैसे भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया अच्छा जो और बूल... ये सारी पूरी लीलाएं उसमें तो है मूल रूप से वो कृष्ण जी का चरित्र ही है कहते हैं कृष्ण चरित्र महाविचित्र उसको समझ पाना हाँ <laughs> इतना सहज नहीं है उसकी सहजता के लिए ये भी कहते हैं कि आपको जब तक कृष्ण जी का चरित्र समझना है उससे पहले आपको राम जी का चरित्र समझना पड़ेगा हाँ क्यो? बिना राम जी के चरित्र को समझे हुए आप कृष्ण जी के चरित्र को समझ ही नहीं सकते हैं और इसका बड़ा सुंदर एक भाव ये भी अनुभव करें कि जो नवम स्कंध है भागवत महापुराण में उसमें पूरी रामचरित मानस का ही उसी की कथा का राम जी का ही वर्णन किया गया है उनके संपूर्ण चरित्रों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम महापुराण में अच्छा। हाँ। तो नवम स्कंद में वो फिर दसम स्कंद में फिर ठाकुर जी का जन्म होता है और फिर उनका मनाया जाता है ऐसे तो शुरुआत के आठ स्कंद में क्या है फिर आठ आठ स्कंद में ठाकुर जी के ही चरित्र हैं लेकिन ये सुखदेव भगवान जो है वो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो वो सुनाते सुनाते एक एक चैप्टर एक एक चीज़ें कि कैसे हुआ वंश परंपरा सुनाई है और छोटे छोटे भक्तों के चरित्र सुनाए हैं तो वो सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते फिर नवम स्कंद में कहते हैं सूर्य वंश की कथा आती है यानी राम जी के पूरे वंश का वर्णन आता है और उसके बाद फिर जब वो कहते हैं कि प्रवेश करने लगते हैं ठाकुर जी के चरित्र में दशम स्कंद में तब परीक्षित वहां पर उनको रोकते हैं दशम स्कंद बड़ा बहुत बड़ा है उसमें पूरी भगवान की लीला आती है और इससे पहले भी लीला आई लेकिन ये सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं तो वो बता रहे हैं फिर उस तरीके से वो बाल लीला पर जब पहुंचते हैं जन्म पर पहुंचते हैं तब वो कहते हैं कि ये रामचरित्र को बड़े सूक्ष्म में, में सुना दिया उन्होंने सुखदेव जी ने लेकिन जैसे ही वो उसमें पहुंचते हैं ठाकुर जी के प्रसंग पर कृष्ण चरित्र पर तब परीक्षित कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी नहीं सुनना चाहता जितनी जल्दी आपने जो है राम जी, जी की कथा आ, सुनाई उतनी जल्दी क्योंकि नहीं आ, उन प्रभु को मैंने भगवान ने मुझे गर्भ में ही दर्शन दिया है आकर के उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे छोटे तो उस समय भगवान ने जा करके गर्भ में उनको सुरक्षित किया है अश्वत्थामा ने जब आ, कहते हैं ना बताओ अच्छा 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 बताना पड़ेगा अच्छा अच्छा तो वो उन्होंने कहा कि जो है अश्वत्थामा ने जब बाण छोड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए कि अब इनके वंश में पांडव तो कहते हैं पांचव पांडव के साथ साथ वो तो वन को चलेगा पांचव पांडव अब एक ही यही बचा है जो इनकी वंश परंपरा को चलाएगा और वो कौन है उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उससे ही इनकी वंश परंपरा चलेगी यदि उसको मैं नष्ट कर दूंगा तो फिर यहीं से इनकी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी नष्ट हो जाएगी तो जो है फिर वहाँ पर इस बात को ही लेकर के परीक्षित कहते हैं वैसे मैं इसमें प्रवेश करूँगी तो फिर वो काफ़ी बढ़ता जाता है तो इस हाँ। वजह से परीक्षित कहते हैं कि इनकी कथा में इतनी सरलता से इतनी सूक्ष्म रूप से नहीं सुनना चाहता इसको बड़े विस्तार से कहिए तब सुखदेव हाँ। भगवान जो है बहुत सुंदर भाव में जन्म का प्रसंग बाल लीला का प्रसंग कैसे कंस का वध हुआ है हाँ। उसके बाद विवाह किस तरीके से किया प्रभु ने कैसे कैसे द्वारिका बसाई ये सब पूरा चरित्र है अच्छा ये आता है हमारे हाँ। दसवें में हाँ और उसके बाद ग्यारहवें बारहवें में क्या आता है ग्यारहवें स्कंद को कहते हैं आश्रय और बारहवें स्कंद को कहते हैं मुक्ति अब तक आपने जो कुछ भी सुना है इसको अपने मन में बिठाइए एक आश्रय दीजिए स्थान दीजिए क्यों इसको समझने का इसको जानने का सब कुछ एक आश्रय लीजिए उसमें छोटे छोटे चरित्र हैं भगवान जी के और दत्तात्रेय जी की भी कथा है उसी में और फिर कहते हैं ये जो बारवस्क आता है ये आपका मुक्ति का आता है कि आप संसार में रहते हुए भी कैसे मुक्त रह सकते हैं मरना वो मरना नहीं है कि जहाँ आपका शरीर का त्याग करना है मरना मरना भी बड़ा आनंददायक है यदि आप उसको मान लें कि जो है जीवन में मरना तभी होता है जब आप इन सब प्रसंगों में प्रवेश करते हैं जहां सुख मिलने लगे समझ लीजिए कि वास्तव में यही मरना है क्योंकि उसके बाद आप मुक्त हैं मरना क्या है आपको कोई कष्ट नहीं होगा कुछ अनुभव नहीं होगा आप एकदम मुक्त हो जाते हैं तो मरना भी मरने से पहले मरना ये बड़ा सुखपूर्ण होता है और कथा यही देती है श्रीमद भागवत पुराण की जो कथा है ये कहते हैं सात ही दिन हैं सबके पास सात दिन है और सात से आठवां दिन किसी का आने वाला है नहीं, नहीं। और इन सातों दिनों में और सात दिनों की श्रीमद्भागवत महापुराण की जो कथा है वो भी सात दिनों की ही सनकादिक ऋषियों द्वारा ये विधि बनाई गई सात दिनों की ही कथा होती है और इन्हीं सात दिनों में सबको एक एक दिन मरना है लेकिन ये कथा ये सिखाती है कि मरने के पहले मर जाओ आप यानी वो मरना आपको जीना सिखा देता है इससे पहले जैसे आपने बोला कि सुखदेव जी ने सुनाई है ये कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी कौन थे जिनके व्यास जी जिन्होंने महर्षि वेद व्यास हाँ अच्छा उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी के द्वारा लिखा है इस चीज को और वो बोलते गए नारद जी ने आकर के सब प्रथम पहले व्यास जी को ये सूक्ष्म रूप में पूरी बाल लीला भगवान के पूरे चरित्र सुनाए भगवान कृष्ण के पूरा चरित्र सुनाया और उसके बाद कहते हैं क्योंकि एक बार आ, क्या हुआ कि व्यास जी को उन्होंने कहते हैं सुंदर रामायण की रचना कर दी पुराण में कहते डाले हैं और शास्त्रों की रचना कर दी वेद लिखे हुए हैं और उसके बाद भी उनके मन को अभी कहते शांति नहीं मिल रही है जो सुकून मिलना चाहिए वो उनके मन में नहीं है सत्रह पुराण लिखे लेकिन उसके बाद भी नहीं अच्छा सत्रह पुराण व्यास जी नहीं लिखे हाँ, लेकिन उसके बाद भी उनको एक वो शांति नहीं मिली जो जो शांति एक एक धर्म कार्य करने के बाद मिलती है एक कह सकते हैं जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के बाद मिलती है वो भी नहीं मिल रही है उनको तो उस समय नारद जी आकर के संपूर्ण चरित्र उनको कृष्ण जी का सुनाते हैं सूक्ष्म रूप से और तब वो कहते हैं जा करके जब वो व्यास गुफा कहते हैं एक माना गांव है माना गांव के ऊपर व्यास गुफा है उस गुफा में जा के जब वो बैठे तो कहते हैं कि उस समय कथा का प्रवाह वो वो मंदाकिनी उनके मन में जो है प्रवाहित हुई कथा की और फिर वो नीचे सरस्वती नदी बह रही है उसमें जाके स्नान किया और आकर के जब ध्यान लगाया तो फिर सुंदर ये भाव मन में आया फिर गणेश जी को बुला और गणेश जी लिख रहे हैं और व्यास जी उसका वर्णन कर रहे हैं तब उन्होंने अठारहवा पुराण ये श्रीमद भागवत महापुराण लिखा है अच्छा तो ये लिखित जो है है वो गणेश जी के द्वारा हाँ, है, वर्डन इनका व्यास जी ने किया हाँ, है और व्यास जी को उनका वर्णन नारद जी ने किया हुआ है हाँ नारद जी ने ही आकर के सूक्ष्म रूप से उनको सुनाया है व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं अच्छा सुखदेव जी सुखदेव जी, जी, सुदेव जी। हाँ, और सुखदेव जी ने फिर ये पूरी कथा परीक्षित को सुनाई और तो इसका वर्डन क्यों है परीक्षित लिख दी थी व्यास जी ने, तो व्यास जी वाली भागवत क्यों नहीं चलती है ये जो परीक्षित को सुनाई है अपने बेटे सुखदेव को सुनाई है हाँ हाँ ये हाँ। तो ये हाँ तो आ, ये मुझे लग रहा है अधूरा अधूरा सा हो रहा है ना क्योंकि इससे पहले क्या है कहते हैं कि व्यास जी ने जब इसकी रचना कर ली तो विचार कर रहे हैं वो कि ये जितना पवित्र ग्रंथ है तो कहते हैं कि पदार्थ जितना दिव्य हो उसके लिए पात्र भी उतना ही पवित्र होना चाहिए तो कोई स्वादिष्ट भोजन है कुछ अच्छा बना है तो उसके लिए उतना ही सुंदर आपकी आपकी थाली प्लेट जो कुछ भी है वो भी उतनी सुंदर होनी चाहिए जैसे कहते हैं शेरनी का दूध है तो वो सामान्य पात्र में नहीं टिकता शेरनी के दूध है तो उसके लिए स्वर्ण का ही पात्र होना चाहिए बिल्कुल तो उसी तरह कहते हैं कि इतना दिव्य ये ग्रंथ है तो मैं ऐसे कैसे किसको सुना दू लिखने के बाद तो अपने बेटे का ध्यान उनको आता है लेकिन क्या सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके छोड़ करके वो वन को चले गए थे बुलाते रहे लेकिन तब भी नहीं आए व्यास जी तो जब लिख लिया उन्होंने तब उनको अपने बेटे का ध्यान आया पर क्या करें वो तो है नहीं पास में तो अपने दो शिष्य बुलाए उन्होंने और उन सबको दो चार श्लोक एक एक रटाए और रटाने के बाद कहा कि अब जा करके जहाँ जहाँ भी जाते हो इसका गान करो तो वो जा करके के दो शिष्य जो थे वो वहीं जा कर के रुके कहते सब तो चारों तरफ चले गए लेकिन जो दो शिष्य गए हैं एक शिष्य उसमें वही उसी गुफा के पास पहुंचा जहां सुखदेव जी ध्यान लगा रहे थे तो वो पहुंचा वो वो गा रहा है अपनी मस्ती में सुखदेव जी तो ध्यान में है वीतराग संत हैं तो उन्हें नहीं पता लेकिन वो वो शिष्य गा रहा है तो उसने गाया ये दो श्लोक कान में पड़े सुखदेव जी के कहते हैं वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम वासा कनक कपिशम वैजयतीमालाम रंध्राण रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ये पहला श्लोक बोला उस शिष्य ने सुना सुखदेव जी ने तो उनके नेत्र खुल गए खुले नेत्र और वो दो चार कदम चल पड़े क्यों श्लोक का भाव कहते हैं कि वृंदावन में बंशी बजाते पीतांबर फहराते मुकुट लगाए हुए भ्रकुटी अपनी कहते हैं तिरछी तितमन से निहार रहे पीताम्बर फहराते बंशी बजाते हमारे जो गोविंद हैं वो वृंदावन रण्य में प्रवेश पा रहे हैं इस श्लोक का भाव है कि इतने सुंदर स्वरूप में भगवान वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं जैसे ही ये सुना कि आ क्या स्वरूप है कितने सुंदर है ये जिनका पीताम्बर इतना सुंदर है जिनकी वंशी इतनी सुंदर है इतना बखान तो वो चल पड़े लेकिन फिर जैसे ही उठे और चार पांच कदम चले ही कि उनके मन में विचार आया कि अरे ये तो स्वरूप की बात की गई है कि वो इतने सुंदर ऐसे हैं ऐसे हैं मन कैसा है इसका पता नहीं है आ? तो शांति से बैठ गा बैठ जाओ अपना ध्यान लगाओ इससे दूस, इससे अच्छा दूसरा कोई सुख नहीं है हुँ. तो ये विचार किया तब तक उसने दूसरा श्लोक पढ़ा दूसरा श्लोक है कि अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघान शया यदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रुचिताम तथोन्यम कम्वा दयालुम शरण व्रजेम इसका भाव है कि ये जो पूतना है अहो बकीयम इम बकी बकी यानी पूतना कहते हैं कि ये जो पूतना है ये राक्षसी है लेकिन ये भी सुंदर स्त्री का रूप बना करके ठाकुर जी को पिलाने के आई है कहते हैं दूध की जगह विष पिलाने आई है आई है सुंदर बनकर के लेकिन पिलाने के वाली है विष पिलाने वाली है और कहते हैं विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने परम गति दे दी कहते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि आ, मामा के यहाँ से आई है तो हमारी मौसी हो गई और मौसी भी तो माँ जैसी ही होती है तो जो गति माँ को देते हैं माँ के लिए तो कहते हैं ना जो परम गति माँ के लिए है वही गति आज भगवान ने पूतना को दी है एम बकी कहते हैं तो लेभे गतिम धातुचिताम तत्न्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे ये कितने बड़े दयालु हैं जिनका मन इतना सुंदर है कि बताइए वो विश्व पिलाने आई उसके बाद भी उसको अमर कर दिया कितना दया तो भाव है इसमें तो वही ये मन का का ही तो तो स्वरूप है भगवान मन मन कितना सुंदर तो जो मन के बारे में सुना तब तो दौड़ करके शिष्य के पास गए और कहते है अरे भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए एक दो चार और सुनाओ तो कहता है गुरुजी ने दो ही सुनाए अब ज्यादा सुनना है तो चलिए उनके पास तो जब सुखदेव जी उनके पास जाते हैं पिता के पास और उधर व्यास जी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं क्या मेरा बेटा आ गया ऐसी भगवत कृपा की जो बेटा छोड़ करके चला गया था आज इतनी सुंदर रचना की कि उसी की कृपा के फलस्वरूप दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया तो देखिए एक स्वरूप एक बड़ा सुंदर भाव ये भी निकल करके आता है कि यदि आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो आपका कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी कर रहे हो ये मन से निकाल दीजिए यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं सत्कर्म कर रहे हैं फिर आपके साथ दुष्कर्म तो नहीं हो सकता बिल्कुल बिल्कुल ये सत्कर्म का प्रभाव है तब जो है सुखदेव जी ने उनको सबसे सुंदर पात्र समझ करके व्यास जी महाराज ने सुखदेव को पूरी की पूरी कथा श्रवण कराई और फिर ऐसे ऐसे चरित्र आते जाते हैं फिर एक समय ऐसा आता है कि जब परीक्षित अनशन लेकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं त्याग करके और तब जो है उस समय जब उनको सात दिन में मरने का जो है वो हो गया कि अब सात दिनों में इनकी मृत्यु हो जाएगी इसके पीछे भी कथा है अब मैं कथा ही सुनाऊंगी तो आपको ये भी पीछे पीछे चरित्र है बहुत तो सात दिन में मरने का उनको जो है जब ये कहा गया कि सात दिनों में इनकी तक्षक नाक के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी तब उन्होंने विचार किया हाँ 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 शिकार के लिए गए थे और फिर ऐसे समीक मुनि के आश्रम में जाकर के उन्होंने एक मरा हुआ सर्प था वो उनके गले में डाल दिया hmm. और फिर वो चले आए फिर जब समीक पुत्र ने देखा ये तब उनके पुत्र ने उनको श्राप दिया और उसी श्राप के कारण फिर सातवें दिन की तब ये जो है जितने ऋषि संत जन थे सब आकर के समागम लगा एक सुंदर कि अब क्या ऐसा हो सकता है कि सात दिनों में कैसे मृत्यु होगी कैसे क्या होगा ये सारी बातें जब सब पत्र अपना खोल खोल करके देखने लगे व्यथित हो गए कि कोई उपाय नहीं मिल रहा है सात दिनों में ऐसा क्या किया जाए तो फिर जो है उस समय कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो मानो आज भगवान के रूप में ही साक्षात सुखदेव जी आ रहे हैं हाँ मतलब सुखदेव जी का जो स्वरूप है ये समझिए कि आज सुखदेव जी नहीं आ रहे कथा सुनाने के लिए तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो सुखदेव के रूप में आज साक्षात भगवान ही परीक्षित का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं और उस समय सुखदेव के रूप में सुखदेव जी साक्षात आते हैं और फिर ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित को गंगा तट पर जहाँ सभी ऋषिगण बैठ करके उस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्र है उनमें कथाएं हैं ठाकुर बहुत सुंदर बहुत सुंदर देवी जी आपने इतने बढ़िया से मुझे समझाया और इतनी सहजता से सारी चीजें समझाई हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं अभी बहुत चीज़ें आपसे समझता रहूं पूछता रहूं बट जैसे समय की एक हमारे दिकल, पास दिकल। एक समय की लिमिटेशन है तो उस वजह से आज की जो हमारी चर्चा है हाँ, हाँ। जिसमें आपने मुझे भगवत श्रीमद भागवत के बारे में बताया मन के बारे में बताया ईश्वर के बारे में बताया हाँ, हाँ। प्रेम के बारे में बताया अपनी जर्नी जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी उसके बारे में बताया तो इन सब चीजों को सुनने के बाद यहाँ पे आज की हम चर्चा को विराम देते हैं और इस पॉडकास्ट का बाबा कास का पार्ट बनने के लिए और हमारे श्रोताओं को और मुझे इतनी प्यारी बातें और इतना अच्छा अनुभव देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरा तो ये पहला पॉडकास्ट है और वक्त कृपा ऐसी रही कि मुझे बड़ा आनंद आया और आनंद से बढ़कर के कुछ नहीं है क्योंकि सो so, खाया तो दुख का आना तय है हानि हो रही है तो लाभ का होना तय है लेकिन जीवन में यदि आनंद आ रहा है तो उसका कोई पर्यायवाची नहीं है तो आनंद आ रहा है तो उसके बाद आनंद ही आएगा तो वही आनंद मुझे आज यहाँ इतनी भगवत चर्चा मुझे नहीं लगा था कि इतना सुंदर स्वरूप होगा इसका पर वास्तव में खूब आनंद आया मुझे भी बहुत आनंद आया मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया होगा और अगर आपको बहुत आनंद आया है और आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ पे मिलेंगे कहाँ पे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं उनकी बातें रोज़ सुन सकते हैं तो ये आई एम लक्ष्मी प्रिया के नाम से ए डबल ए है इस नाम से इंस्टा इनकी आई है जिनमें ये रोज़ ऑलमोस्ट रोज एक सुंदर विचार शेयर करती हैं जब से मैं सुनने लगा मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि कोई पोस्ट आया है नहीं तो आप भी कर लीजिए इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे और यही है ना मतलब तो मैंने बिल्कुल सही आईडी का नाम बिल्कुल, लिया है बिल्कुल, बिल्कुल सही आईडी ली है ना आपकी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो दोस्तों ये दबाओ लोग आज का हमारा पॉडकास्ट लक्ष्मी प्रिया जी के साथ जिनके साथ बहुत प्यारी बातें भी बहुत आनंद मिला है मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ और ऐसी बढ़िया अच्छी चर्चाओं के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए वा लोग राधे 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 राधे